नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, और आज पंचायती टाइम्स एक बार फिर हाजिर है आपके सामने बताने के लिए कि आज दिन भर की क्या बड़ी खबरें रही हैं। सबसे पहली जो बड़ी खबर इस वक्त है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, दरअसल वो खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आपको याद होगा कि परसों रात से लगातार आम आदमी पार्टी चर्चा में है, और दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ बदसलूकी का मामला लगातार चर्चा में है। इसी को लेकर आज की जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। दो विधायक इसमें शामिल हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने दिल्ली के सचिव जो अंशुल जी हैं उनके साथ बदसलूकी की थी, उनके साथ धक्का मुक्की की थी, जिस पर कि आईएएस एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि तब तक काम नहीं होगा जब तक कि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, और ऐसी एक गिरफ्तारी हुई है। देवली के जो विधायक हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, और दूसरे विधायक ओखला के जो हैं अमानतुल्ला, उनके घर के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज हुई है बदसलूकी के मामले को लेकर। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है ये कहते हुए कि ये सब बीजेपी की साजिश है, लेकिन आपको याद होगा कि ये वही अमानतुल्ला हैं जो कुमार विश्वास के साथ भी बदसलूकी के मामले में चर्चा में आए थे। और इस तरीके का ये कोई पहला मामला नहीं है जब आम आदमी पार्टी के विधायकों की किसी से बहस हुई है या इस तरीके का लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया है। बहरहाल आज की जो अपडेट है उसके मुताबिक ये कि देवली के जो विधायक हैं उनकी फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस खबर की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर है 11,500 करोड़ के घोटाले से जुड़ी हुई। जी हां, हम पीएनबी की बात कर रहे हैं। पीएनबी में जो घोटाला हुआ है उसके मुख्य आरोपी जो नीरव मोदी बताए जा रहे हैं, नीरव मोदी के वकील देर रात मुंबई पहुंचे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। अब देखना है कि वकील जो नीरव मोदी के हैं वो क्या कुछ पक्ष रखते हैं। पूरा इस मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में ये नाम रहा है और लगातार देश भर में चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि और दूसरे बैंकों से भी नीरव मोदी ने इस तरीके का घपला किया है, हालांकि ये पूरी तरह से जांच का विषय है। लेकिन इस बीच आरबीआई के खेमे से एक खबर आ रही है, आरबीआई ने एक कमिटी का गठन कर दिया है। आरबीआई ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि पिछले कई जमाने से वो बैंकों को हिदायत देती रही है कि इस तरीके के जो लोग हैं या इस तरीके के जो मामले हैं उस पे थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करें, उस पे थोड़ा सा अपनी जो समझदारी है उसको दिखाएं और उस पर ध्यान दें। लेकिन इस तरीके की जो लापरवाही है वो बैंकों के सामने आई है, और ये कोई पहला मामला नहीं है। चूंकि नीरव मोदी का इतने बड़ा अमाउंट है, इतनी बड़ी धनराशि है, इस वजह से इसकी चर्चा बहुत तेज हो रही है। फिलहाल इस मामले में अपडेट ये है कि नीरव मोदी के वकील मुंबई पहुंच चुके हैं अपना पक्ष रखने के लिए, और इधर आरबीआई ने एक कमिटी का गठन कर दिया है जो इस तरीके के जो उद्योगपति हैं उनको लेकर जांच करेगी। इसमें बैंक के तमाम वो अधिकारी होंगे, मतलब जांच के दायरे में होंगे, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि लोन देते हैं। उत्तर प्रदेश में आज इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन किया गया है। तमाम जो देश के दिग्गज उद्योगपति हैं वो वहां मौजूद हैं, अडानी, अंबानी, तमाम इस तरीके के जो दिग्गज उद्योगपति जो घराने हैं उनके लोग यहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर मिली उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो जीडीपी में 8.5 के आसपास का जो सहयोग है वो करता है, इसलिए आप उत्तर प्रदेश को अपना समझिए और उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करिए ताकि रोजगार के अवसर यहां पर उपलब्ध हो। इस समिट पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसका हिस्सा बने थे, तमाम बड़े दिग्गज इसका हिस्सा हैं। आप आज देख रहे होंगे तमाम अखबारों में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े विज्ञापन निकले हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो बढ़ता हुआ प्रदेश है और योगी आदित्यनाथ अवसर उपलब्ध कराएंगे उन उद्योगपतियों के लिए जो कि यूपी में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के लिए यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। आपको बता दें कि ये दो दिन का ये पूरा सम्मेलन है और आज इसका पहला दिन है। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज लोग वहां मौजूद रहे हैं। कल तक ये समिट चलेगी, अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर है सीमा से जुड़ी हुई। खबर ये आ रही थी, चीनी जो मीडिया है उसने अपने तमाम मीडिया चैनल्स और अखबारों में इस बात का जिक्र किया था कि पूर्वी हिंद महासागर जो है वहां तक चीनी नौसेना के लोग और जहाज पहुंच चुके हैं। ये खबर
चीनी मीडिया में बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया है। कहा यह जा रहा है कि इस तरीके का कोई भी मामला अभी सामने नहीं आया है। पूर्व हिंद महासागर का जो इलाका है, जो कि सीमा भारत और चीन से लगती हुई है, अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूर्वी हिंद महासागर का जो इलाका है वो चीन और भारत की सीमा से लगता हुआ है। अब चीनी मीडिया ने जब इस तरीके की खबरें की तो भारत में बौखलाहट लाजमी थी, लेकिन भारत ने पूरी तरह से इस बात का खंडन किया है कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है। वहां तक कोई जहाज चीनी सीमा में, चीनी सेना की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है। वहां पर भारतीय सेना के जवान ही यूं ही मुस्तैद हैं, तैनात हैं। वैसे देखिए तो चीन इस तरीके की हरकतें, बौखलाने की या बरगलाने की हरकतें हमेशा करता रहता है, लेकिन भारत ने बहुत ही संयम तरीके से इसका जवाब दिया है। दक्षिण भारत के चर्चित अभिनेता कमल हसन के बारे में आप सभी जानते होंगे। पिछले दिनों लगातार बयानों का जो सिलसिला था उनका जारी था, जिसकी वजह से वो लगातार चर्चा में थे, लेकिन आज उनसे जुड़ी खबर ये है कि कमल हसन साहब आज अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। जी हाँ, नई पार्टी वो बनाने वाले हैं। वैसे इससे पहले देखें तो दक्षिण के रजनीकांत, जिन्हें दक्षिण का भगवान कहा जाता है, अभिनेता जो है, उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया था कि वो राजनीतिक सियासी जो गलियारा है उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आएंगे, राजनीतिक भूमिका निभाएंगे। कमल हसन भी अब दक्षिण के बड़े अभिनेता हैं और अब राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। आज अपनी पार्टी का वो ऐलान करेंगे और आपको बता दें कि बहुत सारे लोग वहां मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि वो लगातार बीजेपी के विरोध में बहुत सारी चीजें बोलते रहे हैं, देखना है बीजेपी के कौन से नेता वहां पहुंचते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब वहां जरूर मौजूद होंगे, इस तरीके की खबरें पंचायती टाइम्स को मिली है। इस पूरे कार्यक्रम में जो कुछ भी निकल कर आएगा वो अपडेट्स हम आप तक फिर पहुंचाते रहेंगे। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर हो, कहीं ज्यादा अच्छा हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।